इस समय फार्म पे बड़े सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक तो हमारे फूड फॉरेस्ट में। एक्चुअली हमारी टीम जैसे जैसे बड़ी हुई है तो उन सदस्यों की संख्या भी बढ़ी है जो गांव के बाहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं। तो हम सब लोग इकट्ठे खाना खाते हैं, किचन जो है छोटी पड़ रही है, तो हम एक बड़े डाइनिंग हॉल का निर्माण कर रहे हैं जो फूड फॉरेस्ट में रहेगा, ओपन रहेगा। इसमें हाँ ज़रूर हम मच्छरों के लिए कोई प्रावधान करेंगे। ये जीणू भैया हैं, जीणू भैया हमारे साथ शुरू से। इनका सबसे अच्छा काम ये है कि ये पुरानी लकड़ी के साथ काम करने से मना नहीं करते, और मेरी कोशिश होती है जितनी लकड़ी हो पुरानी है, तो ये सारी लकड़ी पुरानी है जिससे छत बन रही है, और ये जो सपोर्ट है सारी जिन्हें हम थंबिया कहते हैं, ये भी सारी हमारी पुरानी लकड़ी की है। ये ज़रूर है कि जो इसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, जो मेन है, वो हमने नए लोहे का बनाया है, क्योंकि या तो वो ईंटों का बनाना पड़ता या पत्थर का, तो लोहे का काम जल्दी हो गया। कुछ लोहा जो सपोर्ट के लिए चाहिए था वो हमारे पास पुराना पड़ा था, वो हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद मैं अब आपको ले जाऊंगा बाहर, जो हमारे बंगलोज बन रहे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि गांव से बाहर से आके भी बड़े सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनके लिए रहने की जगह चाहिए, और फिर मैं आपको ले जाऊंगा हमारी हॉस्पिटल वाली साइड पे। अब जैसे जैसे हमारी टीम के सदस्य बढ़े हैं तो हमारे को उनके रहने के लिए भी जगह चाहिए, तो ये हमारे बाहर चार बंगलोज बन रहे हैं। ये लगभग तैयार हैं, कुछ और महीने का काम इसमें बाकी है। तो ये भी जैसे अंदर के तीन बंगलोज हैं, ये भी लगभग लगभग वैसे ही बने हैं। इस समय इस पे सारा मिट्टी देने का काम चल रहा है, मिट्टी मतलब जो अंदर सीमेंट का प्लस्तर है उसकी बजाय। तो अगेन यहाँ पे किचन रहेगी, ये बाथरूम स्पेस है, ये नीचे बैठने का काम करने का स्पेस, और ऊपर सोने के लिए। आई थिंक कि इस साल के एंड तक ये रहने लायक हो जाएंगे। तो इसमें हमारे को जो अगेन पुराना मटेरियल मिला, जैसे खिड़कियां पुरानी मिली हमने वो इस्तेमाल करी, अनफॉर्चुनेटली ये पिलर तो हमें नए खरीदने पड़े, पर ये चील की लकड़ी के हैं जो बहुत जल्दी ग्रो करती है, यहाँ लोकल है तो हम सस्टेनेबल कह सकते हैं। बैम्बू तो खैर सस्टेनेबल है ही। ये जो सारा पोर्च है ये बैम्बू का बना है, ये जो पोर्च है ये लॉफ्ट का काम भी करेगा, तो अंदर ये जो बेडरूम है ये काइंड ऑफ लॉफ्ट स्पेस है। मैं इस समय अनफॉर्चुनेटली ऊपर नहीं जा सकता, नहीं तो मैं आपको दिखाता, इसके जो छत है इसमें एक बड़ा कूल सा गैप छोड़ा हुआ है जिससे बड़ी अच्छी नॉर्थ लाइट आएगी। जो एम्बिएंट लाइट होती है ना वो नॉर्थ से ही आती है, एम्बिएंट ओम्बिएंट जो भी प्रोनंसिएशन है, ये आपको दिख रहा जो छत में गैप है। ये हमारी सारी पुरानी लकड़ी का ढेर है, मेरे को तो पुरानी लकड़ी पुराना सामान जहाँ मिलता है मैं ले आता हूँ। तो ये कुछ बनी बनाई खिड़कियाँ भी पड़ी हैं हमारे पास काफ़ी पहले की। ये मीटर बॉक्स है थोड़ा पुराने स्टाइल का, तो ये भी हम यूज़ करेंगे। अब जब हम इको विलेज बनाएंगे तो यहाँ पे जो लकड़ी बच जाएगी वो इको विलेज में फिर यूज़ होगी। मैंने आपको कहा था मैं आपको उस साइड पे ले जाऊँगा जहाँ पे हम अस्पताल बना रहे हैं, तो मेरे पीछे यहाँ पे ये नींव खुद रही है, ये सबसे पीछे वाले कमरे हैं जहाँ किचन रहेगा, इसके आगे कल कैनल्स वगैरह की खुदाई होगी, इसके बाद हमारी जो एनिमल्स को हेल्प करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये टीम है जो मध्य प्रदेश सतना जिले से यहाँ पे आई हुई है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन में प्रोग्रेस होगी मेरी कोशिश होगी मैं आप लोगों को अपडेटेड रखूँ। बाय।